नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल निरौला। दौरान सुबह से निकला उनका काफिला देर रात आजमगढ़ में सभा स्थल पर पहुंचा, लेकिन इस दौरान देखने को कुछ अजब था। अपने निरहुआ को अपने बीच में देखकर लोग तो बड़े उत्साहित हुए। निरहुआ ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण निरहुआ समय खत्म होने के बाद कुछ बोल न सकी, सिर्फ हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इसको लेकर जनता जो निरहुआ को सुनने आई थी वे आक्रोशित हो गई और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से निरहुआ अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। समर्थकों ने जब निरहुआ की कोई बात नहीं सोने बिना निरहुआ वहां चले गए तो जमकर उत्पात मचाया, कुर्सियां फेंकी और जमकर तांडव किया। इस दौरान मजे की बात तो यह है कि निरहुआ वहां से सुरक्षित पुलिस ने उन्हें निकाल लिया, लेकिन कुर्सियों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने निरहुआ को न सुनने के बाद आक्रोशित समर्थकों की जो दुश्वारियाँ हैं, जो उनका गुस्सा है, उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। आपको बता दें दिनेश लाल निरहुआ की आजमगढ़ में अखिलेश यादव से टक्कर है। ऐसे में दिनेश लाल निरहुआ का पूरे गाजे बाजे के साथ काफिला निकला, जो देर रात शहर के सभा स्थल पर पहुंचा, जहां पर चुनाव आचार संहिता के कारण समय खत्म होने पर केवल निरहुआ लोगों का अभिवादन कर वहां से निकल गए। इसके बाद क्या था? इसके बाद समर्थक और निरहुआ के चाहने वाले उत्साहित और आक्रोशित हो गए। उन्होंने जमकर तांडव मचाया, लेकिन निरहुआ लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए वहां से निकल गए। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।